नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में गुप्तोत्तर काल जिसे हम पुष्पवती वंश या वर्धन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिविजन करिए, अथक परिश्रम करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आप सब ने ठान ही लिया है तो क्या सोचना, विकल्प बहुत मिल जाएंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही चाहिए। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, आपसे नहीं होगा, बहुत टफ होगा, कितना टाइम लग गया, कैसे करोगे, अब तो नहीं हो पाएगा, टाइम ही निकलता जा रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर लो, कुछ और कर लो, या कुछ भी बोलेंगे। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया है कि मुझे पूरा करना है, हर हाल में करना है, तो कोई भी विकल्प मायने नहीं रखता। बस उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना की थी पुष्पभूति वर्धन ने। इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम वर्धन वंश पे पड़ा। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्पभूति या वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन के दरबार के कवि कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्या आया था? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा एक चालुक्य राजा थे जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के पराजय का उल्लेख किस अभिलेख में? एहोल अभिलेख में। और प्रमुख अभिलेख एरड अभिलेख से किसका साक्ष्य मिलता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चक्रुपाम की उपाधि किस अभिलेख में? कमेंट सेक्शन में बताइए। द्वितीय अशोका किसको बोलते हैं? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। बारबट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बारबट की आत्मकथा किसने लिखी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बारबट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कादम्बरी। शूद्रक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? सबके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि इसका वीडियो मैंने आपको पूरा समझाया था। जो चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ऐसे याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं क्लासेस देखने का, क्योंकि कोई भी क्लासेस देख रहे हो तो हमें याद होना चाहिए। एक सब्जेक्ट को एक जगह से पढ़िए, 10 जगह से पढ़ेंगे कन्फ्यूजन होगा। उस एक बुक पढ़िए लेकिन उस बुक को 10 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ कन्फ्यूजन होगा। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए सिर्फ दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़, एक तो आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपको सिलेबस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिलेबस में कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपने उसको बार 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 रिवीजन किया होगा। सिलेबस में एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता आपने कौन सी बुक पढ़ी, कितने बार पढ़ी, कितनी बुकें पढ़ी। आपको पॉइंट रट्टा होना चाहिए। अब जैसे हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया, आप 10 किताबों में पढ़ेंगे तो भी ह्वेनसांग ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी पॉइंट को 10 बार रट लिया कि हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था, कब आया था, किस उद्देश्य से आया था, इसकी कौन सी रचना थी, सीयू की किसकी रचना थी, इंडिका किसकी रचना थी, कौन कौन सी किताबें, और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम पैटर्न को समझ लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और तीसरी करंट में मुद्दे क्या, उन मुद्दों से करंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्ट्रेटजी। अगर ये तीन पॉइंट आप समझ गए तो आधा क्वेश्चन पेपर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे इस टाइम पे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं? राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विधानसभा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोकसभा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आपके टाटा से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लार्जेंट उप्रो से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा इन सब से क्वेश्चन आपको कैसे पता पूछे जा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ देखिए, अभी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने के 100% संभावना है। अभी टाटा क्या है, आपके सुर्खियों में चल रहा है इसलिए टाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी देखते हैं, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के साथ दरबार में आया था, ये भारत में लगभग 14 साल तक रहा था। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को। जो कुंभ मेला आयोजित होता है इसको सबसे पहली बार किसने आरंभ कराया था? हर्षवर्धन ने। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट अशोक के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था। चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के
तट पर। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। कन्नौज का प्रमुख राजा कौन था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की किस उपलक्ष में? अपनी राजौर के उपलक्ष में। अब पहले आप आंसर दीजिए, संघ संवत को किसने प्रारंभ किया था? विक्रम संवत को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष संवत को किसने प्रारंभ किया? तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। वेन संघ की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध, कॉटन के लिए सबसे प्रसिद्ध था मथुरा जो यूपी में स्थित है। कॉटन का उत्पादन हड़प्पा वासी भी बोलते थे, इसीलिए हड़प्पा वासियों को क्या बोला गया था? सिंडन बोला गया था। आपसे कई बार पूछता है मेसोपोटामिया में क्या होता था? हड़प्पा वासी किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेलुआ शब्द का। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसा समाज था? माता देवी का समाज था, मात सत्तात्मक समाज था। हर घर से माता देवी की मूर्ति प्राप्त हो रही थी। वहाँ पे मूर्ति किस पद्धति से बनाते थे? भ्रष्ट मोम पद्धति से बनाते थे। लोथल से क्या प्राप्त हुआ हमें? लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ था? लोथल से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ, बाट बटखरे प्राप्त हुए, माप प्राप्त हुआ। वहाँ पे जो बाट बटखरे होते थे 16 के गुणक्ष में प्राप्त होते हैं। बाट बखरे किसे? सेलखिर या चैट पत्थर के बने होते थे। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एग्जाम में पूछता है, सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको याद होनी चाहिए। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। और थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। नागानंद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की थी। हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पे? कन्नौज और प्रयागराज में। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक तो कन्नौज बहुत फेमस रहा, दूसरा प्रयागराज। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था, जो अपनी धार्मिक आयोजन करता था कहाँ से करता था? धार्मिक सभा प्रयाग से करता था। कन्नौज का प्रमुख शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कन्नौज को वर्तमान में क्या बोलते हैं? इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत के कुछ राजवंश होंगे, उससे जुड़े कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्रमुख किताबें होंगी, कुछ प्रमुख लेखक होंगे, कुछ प्रमुख रचनाएं, कुछ प्रमुख यात्री, ये सारी चीज़ें जो विविध में पॉइंट हैं इन सबको डिस्कस कर लेंगे। इससे साथ ही आपकी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मिडवल और मॉडर्न पे स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ही आपकी पॉलिटी की क्लासेज चल रही, इकोनॉमिक्स की क्लासेज चल रही, साइंस की क्लासेज चल रही, सारी क्लासेज को देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ रिविजन करिए, मेहनत करिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।